दोस्तों हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इधर और इसे भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है. तो आइए देखें इसका सॉल्यूशन कैसे होगा. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है ये सीबीएसई की परीक्षा का सवाल है. अभी इक्वेशन जो है वो है x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 25 होल 1 अपॉन 25. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्यों, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेंगे एलएचएस का सो एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो जाता है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. लेकिन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का एक कैच ये है कि ये 25 1 बाय 25 को हम 25 प्लस 1 अपॉन 25 लिखेंगे. तो ये एक्स प्लस 1 बाय एक्स के फॉर्म में है इजीली. असल में अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यू 25 साफ दिख रही है, क्योंकि अगर x 25 है सो x प्लस 1 बाई x विल बी 25 प्लस 1 बाई 25. तो ये दिख तो रहा है कि ये 25 इसका सॉल्यूशन होगा. और x की वैल्यू 1 बटा 25 भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप 1 बटा 25 भी रखेंगे तो 1 बटा 25 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 25 इज सेम क्वांटिटी. सो हेंस हमें ये दिख रहा है कि सॉल्यूशन जो है वो 25 और 1 बाई 25 ये दो वैल्यूज तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं. क्या बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, x इक्वल्स टू 25 एंड x इक्वल्स टू 1 बाई 25. इफ यू सी ये दोनों जो सॉल्यूशन है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन हमें इसको पूरे प्रोसेस के साथ सॉल्व करना होगा. तो चलिए देखें कैसे कर सकते हैं. सो इसमें हम ऐसा करते हैं कि इसे एलसीएम ले देते हैं एलएचएस का. सो एलएचएस में आप ये डिनोमिनेटर में एक्स आ गया और ये न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1. मैं मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता है कि एलसीएम लेके कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं. और ये मैं इसे टच नहीं करता हूँ, इसे आप 25 प्लस 1 बाई 25 ही रहने दें. क्यों, अभी थोड़ी देर में ये साफ जाहिर हो जाएगा. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 25 प्लस 1 बाय 25 टाइम्स x. और अभी इसको मैं सारे टर्म्स को एक साइड में ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 प्लस 1 बाय 25 x इज इक्वल टू 1, है ना. तो ये 25x है और माइनस 1 बाय 25x है. अगर माफ कीजिए, इट्स नॉट इक्वल टू 1, इट विल बी माइनस प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स 0. ओके, अगर आप देखें तो इसमें इसको कंपेयर करते हैं हम अपने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से. तो इसमें ए क्या है, clearly a is equal to 1 here, b is nothing but minus 25 plus 1 बटा 25 और c है 1. तो factorization method में कुछ हम क्या करते हैं, हम जो b है उसको दो भागों में तोड़ते हैं, such that ऐसा कि b को हम दो भागों में तोड़ते हैं, b1 plus b2, such that b1 into b2, product of the two terms जो आपने उनको तोड़ा, must be equal to a into c. So b1 b2 का product ac होना चाहिए. तो clearly अगर इसमें आप देख रहे हो, अगर समझ पा रहे होंगे, तो इसमें indication भी दे रहा है कि 25 और 1 by 25 के रूप में मैं इसको b को विभाजित कर सकता हूँ. So यहाँ b1 हो जाएगा 25 और b2 हो जाएगा 1 by 25. Okay? So अगर आप देखें तो अगर b को मैं लिख सकता हूँ माइनस 25 माइनस 1 अपॉन 25. क्यों, क्योंकि इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट माइनस 25 और 1 माइनस 1 बाई 25 का प्रोडक्ट a इंटू सी आता है. a इंटू सी का वैल्यू अगर आप देखें तो ये 1 है. तो b में अगर मैं b को माइनस 25 प्लस माइनस 1 बाई 25 लिखूं तो इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 1 आ जाता है. तो ये इंडिकेटिव है कि हमें इसको ऐसे ही लिखना है. तो चलिए देखें इसे अभी कैसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो इट इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 1 बटे 25x प्लस 1 इक्वल्स 0. सो अभी कॉमन लेंगे टर्म्स. सो x ये हो गई x माइनस 25.
अच्छा जब x माइनस 25 आ गया तो हमें पता है दूसरे टर्म में भी x माइनस 25 तो आएगा, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी अभी मेरे हमें यहाँ पे अगर आप देखें ये x है और इस प्रीवियस स्टेप में माइनस 1/25 है, तो क्लियरली हमें माइनस 1/25 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 1/25 इंटू एक्स विल गिव यू माइनस 1/25 एक्स और माइनस 1/25 इंटू माइनस 25 गिव्स यू 1, सो दैट मींस हमारा ये फैक्टराइजेशन सही है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स माइनस 2/25 जो आपने इधर निकाला ये कॉन्स्टेंट कॉमन आ गया सॉरी, और ये फिर हो गया एक्स माइनस 1/25 इक्वल्स 0। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आपको पता है अगर दो फैक्टर का दो टर्म्स का प्रोडक्ट जीरो है तो ईदर ऑफ द टू टर्म्स दोनों में से एक टर्म तो जीरो होगा ही, क्या दोनों जीरो होंगे, सो एक्स माइनस 25 इज जीरो, सो दैट मीन्स इससे आपको मिल गया एक्स बराबर 25 और दूसरा टर्म है एक्स माइनस 25 इक्वल्स टू जीरो, सो इससे आ गया एक्स इक्वल्स 1/25। तो दोस्तों हमें क्या दिख रहा है, ये जो हमने पहले कहा था, जो हमने गेस वर्क किया था कि सॉल्यूशन यही होगा, मैथमेटिक्स के द्वारा भी हमें वही प्राप्त हो रहा है। और ये आप जितनी दफे इसे प्रैक्टिस करेंगे आपको इसका सेंस डेवलप होता रहेगा और देखने से ही, सवाल को देखने से ही आप भाप पाएंगे कि ये सवाल आपको क्या करने पर मजबूर कर रहा है। तो अगर आप देखें इससे लर्निंग क्या है हमारी, इस सवाल में सवाल से ही पता चल रहा था कि फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं और हमने उसको ही आधार बना के अपना सॉल्यूशन को आगे बढ़ाया और हमने जो हमने गेस किया था कि हमारा वही सॉल्यूशन होगा हमें वही प्राप्त हुआ। अगले वीडियो में हम एक और क्वेश्चन से डील करेंगे। थैंक्स।